अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ जली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विदाउट जेलेटिन। ये मैं चाइना ग्रास से बनाऊँगी, इसे अगर अगर भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। इसके लिए मैं यहाँ पर 3 कप पानी ले रही हूँ, 1/2 लीटर से थोड़ा सा कम है पानी ये। अब इसमें यह 8 ग्राम चाइना ग्रास है ऐड कर रही हूँ मैं। इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर इस तरह से हिलाते हुए पका लेना है, जब तक ये पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं जाती जब हमें पका लेना है। देखिए कुछ देर बाद ये अच्छी तरह से घुल चुकी है इसमें। अब इसमें शक्कर ऐड करेंगे, ये 5 टेबल स्पून शक्कर है। इसे भी अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए पका लेंगे हम। अब फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर 3 कटोरियों में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3 कलर की जेली बना रही हूँ इसलिए। आप चाहे तो 1 या 2 कलर भी बना सकते हैं जेली के, 2 मोल्ड में डालकर। अब हम यहाँ पर हमें कलर ऐड करना है। यहाँ पर 1 टीस्पून पानी है और ये 1 चुटकी जितना रेड फूड कलर है। आप अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अब इसी तरह से दूसरे कलर ऐड करेंगे हम। यहाँ पर भी 1 टीस्पून मैंने पानी लिया है, इसमें 1 चुटकी ग्रीन कलर का रंग ऐड कर रही हूँ मैं, इसे भी मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने और एक 1 टीस्पून पानी में 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड कर लिया है, इसे भी मिला लेंगे इसमें। अब यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करें आप। अब यहाँ पर ग्रीन कलर में 2 से 3 ड्रॉप एप्पल एसेंस ऐड करें या फिर वनीला एसेंस ऐड करें, और ये येलो वाले में आप पाइनएप्पल एसेंस ऐड करें 2 से 3 ड्रॉप। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें सेट होने के लिए। देखिए आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसमें इस तरह से मैं कट लगा लूँगी, आपको जितने साइज के क्यूब्स चाहिए उस तरह से आप कट लगाइए। आप जो शेप के कट्स लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज के क्यूब्स चाहिए तो आप 2 या 3 कट्स लगाइए, या फिर चॉकलेट मोल्ड्स हो छोटे छोटे तो उनमें भी डालकर आप बच्चों को दे सकते हैं। चलिए मैं इसे निकाल कर बताती हूँ। देखिए कितने अच्छे क्यूब्स बने हैं इसके, अच्छी तरह से सट हुई है ये। इसी तरह मैं दोनों कलर के भी जेलीज को कट कर लूंगी, इसे भी मैं निकाल कर बताती हूँ। देखिए इसके भी अच्छी तरह से क्यूब्स बने हैं। इसी तरह से मैं येलो वाले को भी कट कर लूंगी। देखिए इसे भी निकाल कर बताती हूँ मैं। देखिए इसके भी क्यूब्स अच्छे बने हैं, अच्छी तरह से सेट हुई है ये भी। ये होममेड जेली की रेसिपी विदाउट जेलेटिन आप सबको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।